हेलो एवरीवन, मैं गुरमीत और इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 11 एसईओ मिस्टेक्स जो कि बिगिनर ब्लॉगर्स करते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर्स भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, मैं गुरमीत हूं और मैं अविनिश जी के लिए एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहा हूं जो आप आज देख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको 11 एसईओ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, एक एक करके आपको बताऊंगा एंड उसके बाद थोड़ी देर एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप इन मिस्टेक्स को ऑलरेडी अवॉइड कर सकते हैं और अपनी ब्लॉगिंग के ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं एंड टाइम वेस्टेज को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वो है चेंजिंग परमालिंक्स विदाउट 301 रीडायरेक्शन। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि पहले तो किसी कीवर्ड को टारगेट करने के लिए यूआरएल कुछ रख देते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि मुझे ये नहीं, ये कीवर्ड टारगेट करना चाहिए था, तो यूआरएल चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई ब्लॉग है example.com और आपने किसी पोस्ट के लिए या किसी पेज के लिए टारगेट कीवर्ड रख दिया, टारगेट कीवर्ड ही मान लीजिए example.com/target कीवर्ड, ठीक है। तो बाद में आपको लगा कि मुझे ये नहीं, ये रखना चाहिए था, टारगेट कीवर्ड 2 रखना चाहिए, तो बाद में आप एडिट कर देते हैं उस परमालिंक को, टारगेट कीवर्ड 2 कुछ भी रख देते हैं, तो आप उस पर लेकिन 301 रीडायरेक्शन नहीं लगाते कि आपका जब कोई पुराना पोस्ट ओपन करे तो नया पोस्ट ओपन हो जाए, आप उस पर रीडायरेक्शन नहीं लगाते। तो ये बहुत बड़ा एसईओ फॉल्ट होगा, आप करेंगे आप बहुत सारी ट्रैफिक लॉस करेंगे, बिकॉज जो आपका पुराना पोस्ट सर्च इंजन में इंडेक्स है वो तो नए पोस्ट पर रीडायरेक्ट नहीं होगा और आपके रीडर्स को जो है एरर दिखाएगा, वो नॉट पेज फाउंड का। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी गलतियां हैं जो बहुत ज्यादा ब्लॉगर्स करते हैं। पहले ही बार में अपना परमानेंट वैसे तो 3 डिजाइन कीजिए या फिर उस पर 301 परमानेंट रीडायरेक्शन जो होती है वो लगा दीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, वो है साइट मैप सबमिट ना करना। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि साइट मैप जनरेट ही नहीं करते और उन्हें गूगल वेबमास्टर टूल में सबमिट ही नहीं करते। तो गूगल ने अपनी तरफ से अपने टूल्स रिलीज किए हुए हैं ऑलरेडी सभी के लिए, जिनको कहते हैं गूगल कंसोल, गूगल वेबमास्टर कंसोल। तो आपको उन वहां पर जाकर अपने साइट के साइट मैप को सबमिट करना होता है और जिससे गूगल अंदाजा लगा लेता है आपकी पूरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर का और आपके पेजेस को इंडेक्स करने में हेल्प करता है। तो यदि आपने अभी तक साइट मैप सबमिट नहीं किया तो आप साइट मैप जरूर सबमिट कीजिए, बिकॉज यदि आप नहीं करते तो ये आपकी बहुत बड़ी ऐसी मिस्टेक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक की। तो हमारी थर्ड मिस्टेक है HTXS5। तो अगर आप HTXS5 के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली मैं वर्डप्रेस यूजर हूँ तो मैं वर्डप्रेस के ओरिएंटेड ही इसका बताऊंगा। तो वर्डप्रेस में एक HTXS5 होती है जिससे आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं अपने जो कंटेंट मैनेजर सिस्टम होता है कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये फाइल नहीं होती, तो यदि आप सी पैनल वगैरह चीजों के साथ या FTP चीजों के साथ डील करते हैं तो आपको इस फाइल के बारे में पता होगा। तो यदि आपको नहीं पता इन चीजों के बारे में, HTXS फाइल के बारे में नहीं पता, तो एक बहुत ही पॉपुलर इंडिया का ब्लॉग है शाउट मी लाउड या फिर mywtips.com पर इसके रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट है, आप उसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि HTXS फाइल क्या होती है और इससे आप इसको एडिट वगैरह करके कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके बाद है robots.txt फाइल। तो robots.txt फाइल क्या होती है कि वो सर्च इंजन को गाइड करती है एक तरह से कि हाउ योर वेबसाइट शुड बी इंडेक्स, आपकी वेबसाइट को कैसे क्रॉल करें और फिर इंडेक्स करें, यानी कि सर्च इंजन को एक तरह से इंस्ट्रक्शन ही देती है। तो बेसिकली यदि आप वर्डप्रेस यूजर है तो आई डोंट थिंक कि आपको robots.txt फाइल क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर कोई और कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप robots.txt को मैनुअली क्रिएट कीजिए और फिर वेबमास्टर टूल में जरूर सबमिट कीजिए, बिकॉज यदि आप नहीं सबमिट करते तो गूगल विल गेट नो आइडिया दैट हाउ इट शुड इंडेक्स योर वेबसाइट। सो आपको robots.txt फाइल जरूर बनानी चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं जो नेक्स्ट मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो है थीम कस्टमाइजेशन। बेसिकली बहुत सारे लोग बेसिकली फ्री थीम यूज करते हैं, मैंने तो देखा है फ्री थीम्स, तो वो बार बार थीम चेंज करते रहते हैं, बार बार अलग अलग तरह की कस्टमाइजेशन करते रहते हैं ना, तो सर्च इंजन को भी वो पूरा कंफ्यूज कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट है किस तरह की। तो बेसिकली आप सिंपल डिजाइन रखिए, सिंपल थीम रखिए, लेकिन एक बार रखिए, फिक्स रखिए, उसको बार बार चेंज मत कीजिए। पहली बार प्रोफेशनल रखिए है ना, तो फिर बार बार चेंज करने की नौबत ही ना आए एंड गूगल को भी आइडिया होगी ये वेबसाइट इस तरह की है, इसे ऐसे इंडेक्स करना, बिकॉज अलग अलग थीम अलग अलग साइज की होती है और गूगल को भी टाइम लगता है अलग अलग क्रॉल करने में और इंडेक्स करने में, तो फिर आप देख सकते हैं।
Recently, I am talking about Google again and again because it is the most popular search engine. बाकी search engines की मैं बात नहीं कर रहा. Basically, बाकी search engines के लिए भी same चीजें apply होती हैं. तो आगे बढ़ते हैं. WordPress plugins. आप ये भी देखा होगा कि बहुत सारे bloggers plugins को जब उनका पता चलता है कि plugins हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत सारे plugins install कर लेते हैं और बिना सोचे समझे कि इस plugin का result क्या होगा, ये plugin कैसे perform करेगा, तो वो जस्ट इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्लगइन्स को गूगल पर सर्च करना चाहिए, उनके रिव्यू पढ़ने चाहिए कि वो प्लगइन कैसे काम करता है, उसके ट्यूटोरियल डिटेल में पढ़ने चाहिए, तभी अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट जिस पर ट्रैफिक है, जिस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है या फिर जितना भी ट्रैफिक है उस पर एक्टिवेट कीजिए. तो आपको प्लगइन के बारे में पहले फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. हाँ, ऐसी बात है कि आप प्लगइन्स इंस्टॉल मत कीजिए, कीजिए लेकिन जितनी आपको जरूरत है और जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स हो. कई लोग ये भी पूछते हैं कि कितने प्लगइन्स इंस्टॉल करें, तो इसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितने मर्जी कीजिए बट क्वालिटी प्लगइन्स को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है. कई प्लगइन्स आपकी साइट के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ. उसके बाद है SEO टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. तो बहुत से लोग बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स को ही छोड़ देते हैं जब वो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं. मान लीजिए आपने वर्डप्रेस यूज करना है, आपका वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जस्ट ब्लॉग बनाया, कंटेंट डालना शुरू कर दिया, कोई टाइटल नहीं दिया, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं ब्लॉग पे, होम पेज वगैरह के लिए सेट किया. तो एक इसके लिए मैं आपको प्लगइन रेकमेंड करता हूँ, SEO by Overuse प्लगइन. आप उसे इंस्टॉल कीजिए, उसमें सारी डिटेल्स भरिए. तो जैसे हर एक किसी ब्लॉग का ब्रांड होता है एक तरह ना, आप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाया होगा, अपने सोशल मीडिया पर पेज बनाया होगा, ट्विटर पर पेज बनाया होगा, तो ट्विटर पर हैंडल वगैरह बनाया होगा, तो आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को भी मेटा इन्फॉर्मेशन के तौर पर SEO by Overuse प्लगइन की मदद से आप भर सकते हैं और गूगल को बता सकते हैं कि ये हमारी ही सोशल प्रोफाइल है, कि जब कोई आपके ब्रांड का नाम गूगल में सर्च करे तो उसके साथ आपकी सोशल प्रोफाइल्स को भी डिस्प्ले करें. तो ये एक चीज है, आप ध्यान रखिए. बहुत से लोग मिस कर देते हैं इस चीज को, SEO टाइटल नहीं सेट करते, डिस्क्रिप्शन नहीं सेट करते. SEO by Overuse प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए और उससे आप टाइटल वगैरह ऑप्टिमाइज कर पाएंगे. वो आपको रिकमेंडेशन देगा कि आपको किस तरह पोस्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए टारगेट करना चाहिए अपने ब्लॉग पोस्ट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 8th मिस्टेक की तरफ. तो बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया कि फ्री थीम्स यूज करते रहते हैं लोग, एक तो ये चेंज नहीं करनी थी आपको थीम, साथ ही में मीडिया का ध्यान रखना. मीडिया आजकल बहुत जरूरी बन गया है, बहुत से लोग सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट डालते हैं, तो टेक्सचुअल कंटेंट अकेला डालने का कोई फायदा नहीं. आप रिसोर्सेज के तौर पर, हेल्प के तौर पर यूट्यूब वीडियोज के लिंक को एम्बेड कर सकते हैं या फिर इमेजेस या इंफोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं. तो इससे बहुत सारी ऐसी इंप्रूवमेंट होगी, अकेला टेक्स्ट डालने से कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज कोई भी टेक्स्ट नहीं पड़ेगा. और आपने सुना भी होगा कि सिंगल इमेज स्पीक्स 1000 वर्ड्स, ठीक है, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखें. उसके बाद करते हैं हम 9, ब्लॉग सिक्योरिटी. तो लोग क्या करते हैं कि अपने ब्लॉग की सिक्योरिटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देते, ठीक है, कोई भी उसे आसानी से हैक कर सकते. आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो भी आपकी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का है वो तो सिक्योर ही होता है, लेकिन आपको उसको और तरीकों से भी ऑथेंटिकेट करके रखना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप किसी भी तरह से अपने डाटा को सिक्योरली दोबारा प्राप्त कर सके, ठीक है. तो उसके लिए आप मान लीजिए अगर कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, तो आप अपना कोई एफटीपी की फाइल्स का भी बैकअप रख सकते हैं या फिर एडिशनल प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके ब्लॉग की सिक्योरिटी की एश्योरेंस दे. के बाद हम बढ़ते हैं 10th की तरफ, जो है SEO चेंजेस. जैसे कि अभी मैं आपको बात कर ही रहा था SEO by Overuse प्लगइन की, तो पहली बात तो जब आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाए आप Overuse SEO प्लगइन से ही सारी SEO के रिलेटेड सेटिंग सेट कर दे. ये प्लगइन आपको पूरी गाइड करेगा कि आपको किन किन सेटिंग्स को सेट करना चाहिए जब आप इंस्टॉल करेंगे, एक तरह से आपको टूर देगा ये. तो आप बार बार चेंजेस मत कीजिए. हाँ, ऐसा होता है कि टाइम के साथ हमें पता चलता है कि हमने स्टार्टिंग में ये मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक की थी. तो आप ये तो कीजिए कि मीन्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक्स तो होनी है ना, चाहे हम जितना मर्जी अवॉइड कर ले, लेकिन आप जो भी है SEO सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ ज्यादा मत कीजिए अपने ब्लॉग की. जो भी आपके SEO सेटिंग्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइटल वगैरह सेट कर लेते हैं, है ना, तो इसके साथ आप ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए. हाँ, यदि आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर ही रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आप नेट पर सर्च कर लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को कैसे टारगेट करें, कंपटीशन कैसे देखें वगैरह. तो ये सब चीजें आप पहले अपने माइंड में प्री डिटरमाइन करके रखिए और उसके बाद ही प्रोसीड कीजिए. स्टार्टिंग में सीधा अपना कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खोला और लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. तो आपको पूरा ऑप्टिमाइज करके लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको SEO चेंजेस से जो है कुछ एक आधे अवॉइड भी करने पड़ेंगे, ठीक है. अब हम हमारे बढ़ते हैं लास्ट, जो है
हमारी लास्ट एसईओ मिस्टेक उसकी तरफ। तो हमारी लास्ट एसईओ मिस्टेक है वो है फॉलोइंग। फॉलोइंग अब कैसे कि कुछ लोग होते हैं कि किसी ब्लॉग को कंप्लीटली डीपली फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी ब्लॉगर अपनी सीक्रेट अपने ब्लॉग पर डालने नहीं वाला। हाँ कुछ एक आधे होंगे जो बताते होंगे, लेकिन फिर भी कोई एक्सपोज नहीं करने वाला। तो आप केवल दूसरों का ब्लॉग ही पढ़ते रहे, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में रिजल्ट्स क्या आते हैं। कोई आपको ऐसा कहता है कि इस तरीके करने से ट्रैफिक बढ़ता है, ऐसे करने से ट्रैफिक बढ़ता है, तो आप दूसरों की मत सुनिए, खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपको टाइम जरूर लगेगा। बहुत से ब्लॉगर्स क्विट कर जाते हैं दो तीन महीने में, ट्रैफिक तो ऑन ही रहा, हम क्या करें, है ना। तो आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फोकस करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई है और लाखों का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स पर गेन भी किया है। तो मैं आपको जस्ट एक चीज रिकमेंड करूंगा, क्वालिटी कंटेंट। और कुछ भी मैं रेकमेंड नहीं करता, कोई क्वालिटी बैकलिंक्स वगैरह बिल्ड करने के लिए नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। आपको जस्ट एक चीज कहता हूँ कि आप कंटेंट क्वालिटी रेगुलरली अपने ब्लॉग पर रखें, ठीक है। एंड दूसरों के ब्लॉग्स को फॉलो करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, रिसर्च जरूर कीजिए, बट करिए वो जो आपका मन कहता है, जो आपको प्रैक्टिकली बढ़िया लगता है। तो इस तरह ये थी टॉप 11 एसईओ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एज अ बिगिनर। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ गुरमीत सिंह, मेरा अलग से यूट्यूब चैनल भी, आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।